और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के जो हमारे पावर पॉइंट में ऑप्शन हैं, वो हैं प्रिपेयर, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टीज, मॉर्गेज फाइनल, क्लोज, पावर पॉइंट ऑप्शन, एग्जिट पावर पॉइंट, अंडू, रीडू। ये है हमारे आज के ऑप्शन। अब देखो प्रिपेयर का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हमें? ऑफिस बटन पर क्लिक किया तो इसमें देखो हमें ऑप्शन मिलेगा प्रिपेयर। प्रिपेयर के अंदर कौन सा ऑप्शन मिलेगा? प्रॉपर्टीज पर हमने क्लिक किया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज में जो हमने एमएस पावर पॉइंट में फाइल बनाई है उसकी हम प्रॉपर्टीज सेव कर सकते हैं कि उसका ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, कैटेगरी क्या है, स्टेटस क्या है, कमेंट क्या है, लिंक बेस क्या है, वो सब हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखो ये तो आ गया शॉर्ट में, हमें तो इसको डिटेल में शो करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो छोटा सा आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, ये इधर सिंबल छोटा सा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा एडवांस प्रॉपर्टीज। क्या ऑप्शन आएगा? एडवांस प्रॉपर्टीज। एडवांस प्रॉपर्टीज में देखो पांच ऑप्शन हमें मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? पांच। पहला क्या है? जनरल। इसमें क्या दिखाएगा कि सबसे पहले तो हमने फाइल कौन से प्रोग्राम में बनाई है, कौन से प्रोग्राम में बना रखी है? एमएस पावर पॉइंट में। इसकी एक्सटेंशन क्या है एमएस पावर पॉइंट की? एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन देखो क्या दिखा रखी है? PPTX। ये वाली जो दिखा रखी है पीछे PPTX, ये क्या है? एक्सटेंशन है। टाइप में क्या दिखाएगा कि हमने फाइल कौन से प्रोग्राम में बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। लोकेशन क्या है? फाइल की लोकेशन शो हो जाएगी। साइज, फाइल का साइज कितना है? 244 KB। केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है समरी। समरी में हम क्या है? समरी ऐड कर सकते हैं। टाइटल तो देखो एमएस पावर पॉइंट हो गया अपना, और इसको टाइटल को चेंज करना चाहते हो, एमएस पावर पॉइंट कहाँ से आया ये टाइटल? देखो जो हमने सबसे पहले स्लाइड बना रखी है, एक नंबर की जो स्लाइड बना रखी है उस पे हमने क्या टेक्स्ट डाल रखा है? एमएस पावर पॉइंट। तो वही क्या है यहाँ पे टाइटल हमारा शो हो गया। इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ऑथर क्या है? मैनेजर क्या है? ऐसे हम इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। कंपनी नेम क्या है? कैटेगरी क्या है? कीवर्ड, कमेंट, लिंक बेस डाल दिया हमने। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स, इसमें क्या दिखाएगा कि अभी तक हमने कितनी स्लाइड यूज की हैं, कितनी स्लाइड यूज कर ली हमने अभी तक? 9। और उनमें पैराग्राफ कितने हैं? पैराग्राफ शो हो जाएंगे। पैराग्राफ देखो कितने हैं? 77। और वर्ड कितने टाइप कर रखे हैं? 180। नोट्स कितने हैं? 0। हिडन स्लाइड कितनी है? 0। मल्टीमीडिया क्लिप्स कितने हैं? 0। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या है? ऑन स्क्रीन शो। कंटेंट, फोर्थ ऑप्शन क्या है? कंटेंट। कंटेंट में क्या दिखाएगा कि हमने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कि जो अभी तक हमने इसमें टेक्स्ट जो टाइप किया है स्लाइडों पर, जो मैटर टाइप किया है उसमें हमने कौन कौन से फॉन्ट का यूज कर रखा है। कौन कौन सा फॉन्ट यूज कर रखा है यहाँ पे शो हो जाएगा। थीम कौन सा ले रखा है। स्लाइड का टाइटल क्या है, देखो फर्स्ट स्लाइड का टाइटल क्या है? एमएस पावर पॉइंट। सेकंड स्लाइड 2, थर्ड का स्लाइड 3, उसके बाद शॉर्टकट कीज, स्लाइड 5, स्लाइड 6, स्लाइड 7
ऑफिस बटन स्लाइड डाउन। इसके बाद कस्टम में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नाम को हम ऐड कर सकते हैं। नेम डाल दिया यहाँ पे हमने राम। राम क्या है, टाइप में देखो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को। अगर हम कोई भी डेट का डेट को लेते हैं तो यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। किसी भी नंबर को लेना है तो यहाँ पे हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने डाल दिया यहाँ पे, गुड, ऐड किया। इसके बाद हमने किया ओके। अब देखो जो भी डिटेल हमने ऐड की थी वो सब क्या है, यहीं पे शो हो जाएगी, जो भी डिटेल हमने ऐड की थी वो। दोबारा से इसी में चेक करना है, दोबारा से एडवांस प्रॉपर्टीज पर जाओ। अब देखो जो हमने ये वैल्यू ऐड की थी उसको डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट किया, यहां से हम करेंगे डिलीट, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, फिर अगला ऑप्शन है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टीज को हटाना यहीं से हटा सकते हो। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, स्लाइड पर पासवर्ड लगाने के लिए, फाइल पर पासवर्ड लगाने के लिए। अब पासवर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे 123। 123 डालने के बाद हमने किया ओके, 123 कंफर्मेशन के लिए ओके किया। अब हम करेंगे फाइल को सेव, फाइल को हमने सेव कर दिया। और ये फाइल हमारी किस नाम से ऐड है, अब हमने किया दूसरी इस फाइल को ओपन। फाइल को ओपन करेंगे दोबारा से, क्या मांगेगा, पासवर्ड। पासवर्ड हमने डाल दिया 123। इसके बाद हमने किया ओके। देखो वही स्लाइड क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन क्या है, ओपन हो जाएगी। अब ये देखो प्रेजेंटेशन को तो हमने ओपन कर लिया, अब जो हमने पासवर्ड लगाया था उसको हटाएंगे कैसे। दोबारा से इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करो, जो हमने पासवर्ड लगाया था ना 123, उसको हमने यहां से कट कर दिया और ओके किया। ओके करने के बाद हमने दोबारा से क्या किया, सेव बटन पर क्लिक कर दिया कि अब जो हमारी फाइल है वो बिना पासवर्ड के ही सेव हो जाए। क्लोज किया, दोबारा से हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। किस नाम से थी हमारी स्लाइड, प्रेजेंटेशन किस नाम से थी, पावर पॉइंट, ये एमएस पावर पॉइंट के नाम से। दोबारा से क्या है, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल क्या होता है कि जो अभी तक हमने स्लाइड पर काम किया है वो तो रहे, उसके बाद कोई भी नया काम ना कर सके इस स्लाइड पर, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क एज फाइनल। ओके करो, ओके। अब स्लाइड पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्लाइड को लॉक कर दिया। हटाना चाहते हैं तो यहीं से हम हटा सकते हैं। दोबारा से मार्क एज फाइनल पर क्लिक करेंगे, अब हम क्या है इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। क्लोज से हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके सभी फाइलों को क्लोज कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे देखो एक तो ये प्रेजेंटेशन हमारी ये वाली ओपन है, एक को हमने और ओपन कर लिया, ऐसे हमने पांच छह को ओपन कर रखा है। हम चाहते हैं कि एक एक करके सभी क्लोज हो जाएं। अपने को क्या पता लगेगा कि कितनी ओपन है, देखो जो ये टास्क बार है ना, इस पे कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखो कितनी ओपन है, चार। कौन कौन सी, पहले तो माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस पावर पॉइंट की जो हमने स्लाइड ओपन कर रखी वो, दूसरी क्या है प्रेजेंटेशन 2, 3 और 4। अब हम चाहते हैं कि ये सभी एक एक करके क्लोज हो जाएं, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी को क्लोज करते रहेंगे।
एक क्लोज होगी, उसके बाद दूसरी क्लोज होगी, अब क्या है ये तीसरी क्लोज होगी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट ऑप्शन कि यूजर नेम क्या है जिस यूजर पे हमने सिस्टम को ऑन कर रखा है। यहां से हम लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल कंप्यूटर में इंग्लिश पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, यूएसए की होती है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की। उसके बाद प्रूफिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी भी वर्ड या कैरेक्टर से किसी भी लाइन की के बना सकते हैं। हमने डाल दिया, अगर हम टी डाल के स्पेस करें या फिर एंटर करें तो क्या वर्ड आ जाए, हमने यहाँ पे डाल दिया हैव ए नाइस डे, ये आ जाए। ऐड पर क्लिक किया, ओके। अब देखो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करो, टी लिखने के बाद हमने स्पेस कर दिया या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है वही वैल्यू आएगी, कौन सी जो हमने ऐड की थी। अब इसको हटाना है इस वैल्यू को कि हमें तो बिना अकेला टी भी टाइप करना पड़ जाए, तो अगर हम वो करेंगे तो क्या है वो तो फिर यही वैल्यू दिखाएगा, क्या वैल्यू दिखाएगा हैव ए नाइस डे। तो इसको हटाना चाहते हैं तो कहां से हटाएंगे, पावर पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रूफिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन टी, देखो टी से कौन सी वैल्यू ऐड की थी हैव ए नाइस डे, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, ओके। इसके बाद सेव, सेव में हम क्या है फाइल की लोकेशन को देख सकते हैं, एडवांस में ऑप्शंस की सेटिंग होती हैं, कस्टमाइज में टूल बार शो हो जाएंगी कौन सी टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन है। अब जैसे होम टैब में देखने हैं, होम टैब को सिलेक्ट किया, ये सभी ऑप्शन होम टैब के अंदर हैं। इंसर्ट टैब में कौन से हैं, ये सभी ऑप्शंस इंसर्ट टैब के अंदर हैं। इसके बाद ये लास्ट के जो तीन हैं ये होते हैं वेब पेज के, ओके किया। नेक्स्ट है फिर एग्जिट पावर पॉइंट, एग्जिट से हम क्या कर सकते हैं जो हमने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है उसको क्लोज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फिर अंडू, अंडू क्या करेगा जो अभी तक हमने मैटर टाइप किया है उसको कट कर देगा और जिसको अंडू ने कट किया है उसको वापस ले आएगा, जिसको अंडू कट करेगा उसको रीडू वापस लेके आएगा और जिसको रीडू कट करेगा उसको अंडू वापस लेके आएगा, इस तरीके से। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इस जो हमने आज किया है उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी ऑप्शन पूछना हो पूछ सकते हो, जो हमने आज ऑप्शन किए हैं। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।